बड़ी खबर शिमला से है, जहां पर आज शाम 4 बजे कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी खबर शिमला से इस समय आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। राजीव सहजल बतौर अनुसूचित जाति मोर्चा जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही रश्मि धर सूद बतौर प्रदेश महिला अध्यक्ष जो है इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहेंगी। स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में शामिल नहीं होंगी शांता कुमार, साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जो है बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें कि शिमला में आज शाम 4 बजे जो है ये बैठक होने वाली है। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कोर कमेटी की ये बैठक है, तो इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर कमेटी की बैठक के अंदर जो है मंथन होगा, तमाम जो है पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ देखिए खास बात ये भी है कि उपचुनाव की जो नतीजा है उसके बाद अब ये बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है उस लिहाज से भी काफी अहम इसे माना जा रहा है। शिमला के पीटर हॉफ में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज मौजूद नहीं रहेंगे। माना यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के चुनावों के किसी दौरों पर व्यस्त हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह भी कल एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी आज जिस कोर कमेटी की बैठक को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी उसमें ये दो बड़े नेता शामिल नहीं रहेंगे। मैं आपको कैमरामैन के कहूंगा कि वो दिखाएंगे शिमला पीटर हॉफ, आप देख सकते हैं। 3 दिन तक हार के बाद भाजपा के चिंतन और मंथन की बैठक इसी शिमला के पीटर हॉफ में होनी है। आज दिन है कोर कमेटी की बैठक का, इसके बाद कल एक्सटेंडेड कोर कमेटी की बैठक और उसके बाद राज्य कार्य समिति की बैठक होनी थी, लेकिन पहले दिन की कोर कमेटी की बैठक को ज्यादा हंगामेपूर्ण माना जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अध्यक्षता करेंगे, इसमें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और इसके अलावा संगठन मंत्री पवन राणा समेत 3 महामंत्री और स्पेशल एनवाइटी के तौर पर पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल जरूर मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बैठक के बाद आखिर जयराम सरकार के चुनावों की हार के जो चिंतन और मंथन के तूफानी बैठक होनी है वो इसी बैठक को माना जा रहा है। इससे पहले एक बवाल भाजपा पार्टी के भीतर जरूर दिखाई दे रहा है। पहले कांगड़ा जिले में अपने टिकट की उम्मीदवारी नहीं मिलने के बाद नाराज कृपाल परमार ने प्रदेश संगठन के भीतर उपाध्यक्ष की जो अपने उनकी कुर्सी थी उससे इस्तीफा दे दिया। अनुसरण किया पवन गुप्ता सोलन में और उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया। यानी भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक है ये इन इस्तीफे के दौर से नजर नहीं आ रहा। संगठन के भीतर की बड़ी नाराजगी सामने जरूर दिखाई दी है और आज जब बैठक बड़े नेता यहां पर करेंगे 2022 में मिशन रिपीट की चिंता करेंगे, ऐसे में पार्टी के भीतर का बवाल क्या कहानी कह रहा है और इस कहानी को दिल्ली का आलाकमान किस तरह से ठीक करेगा ये चिंतन की 3 दिनों की बैठक के बाद साफ होता जरूर नजर आएगा। लेकिन जयराम सरकार की किस्मत का फैसला या संगठन के भीतर किसी फेरबदल का होना या नहीं होना ये सब कुछ दिल्ली के फैसले के ऊपर निर्भर करेगा, जो इन बैठकों के बाद जो रिपोर्ट वहां पर जाएगी उसके बाद साफ होता नजर आएगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।